क्वेश्चन नंबर वन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उसने पुरस्कार का तिरस्कार कर दिया। क्वेश्चन नंबर टू है, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे कहते हैं, अकिंचन, ऑप्शन नंबर सी, अकिंचन इसका राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर थ्री है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है, देशज शब्द है इसमें ए लोटा, वर्णातीत शब्द का अर्थ है, वर्णातीत का मतलब होता है इनडिस्क्राइबेबल, इनडिस्क्राइबेबल जिसे डिस्क्राइब ना किया जा सके, तो उसका होता है वर्णन से परे, जिसका वर्णन ना किया जा सके उसे वर्णातीत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर एट है, निम्नलिखित शब्दों में विशेषण है, इसमें विशेषण है ऑप्शन नंबर सी मौनी, मौनी का मतलब होता है मौन धारण करने वाला, मौन धारण करने वाला ये एक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर नाइन है, निम्न में से हिंदी की महाप्राण ध्वनि है, महाप्राण ध्वनि है क्वेश्चन नंबर ए ख और घ, महाप्राण का मतलब होता है जिन शब्दों को बोलने से हमारे मुंह से ज्यादा हवा निकलती है, ज्यादा एयर निकलती है, उसे महाप्राण कहते हैं। दूसरे होते हैं अल्प प्राण, अल्प प्राण वो होते हैं जिनमें को बोलने से हमारे मुंह से कम हवा निकलती है, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर टेन है, 8 बार 9 त्योहार लोकोक्ति का अर्थ क्या है, इसका मतलब है मौज मस्ती का जीवन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्रीड़ा शब्द का तद्भव रूप है, क्रीड़ा का तद्भव है खेलना, सो ऑप्शन नंबर ए खेलना इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फाइव है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है, तो क्वेश्चन नंबर फाइव का राइट आंसर है डी, मैंने एक घड़ी खरीदी, इसमें एक वाक्य ये है और जो बैटरी से चलती है ये दूसरा वाक्य है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। राका शब्द पर्यायवाची है, राका का पर्यायवाची होता है रजनी, और रजनी राका के और भी पर्यायवाची है जैसे रात्रि और रात। अनायास, क्वेश्चन नंबर सेवन है, अनायास शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो इसमें उपसर्ग है ऑप्शन नंबर ए अन। क्वेश्चन नंबर 12 है, मैं जानती हूँ कि राम बहुत सुंदर लड़का है, यह किस प्रकार का वाक्य है, सो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी संज्ञा उपवाक्य। क्वेश्चन नंबर 13 है, महादेवी वर्मा कृत निर्जा किस विधा की रचना है, ये उनका एक काव्य संग्रह है और इस काव्य संग्रह को 1934 में प्रकाशित किया गया था या पब्लिश किया गया था 1934 में। सो नेक्स्ट एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा सकते, देवी वर्मा कृत निर्जा एक जो कि एक काव्य संग्रह, इसको कब प्रकाशित किया गया था, मैं खाना खाकर सो गया, इस वाक्य में खाकर किस प्रकार की क्रिया है, तो इसमें खाकर, मैं खाना खाकर ये ऑलरेडी चीज हो चुकी है, उसके बाद वो सोने गया, तो ये एक पूर्वकालिक क्रिया है, पूर्व का मतलब होता है पहले, काल का मतलब होता है यहाँ पर समय, जो काम पहले हो चुका है, समय में पहले हो चुका है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, यहाँ पर खाकर जो है ये एक पूर्वकालिक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सरकारी अधिकारियों के मध्य ध्यानाकर्षण व स्पष्टीकरण हेतु सरकारी काम से व्यक्तिगत शैली में लिखे जाने वाले पत्र को कहते हैं, इन्हें कहते हैं अर्धशासकीय पत्र, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मनताप या मनस्ताप। क्वेश्चन नंबर 17 है, मीराबाई की भाषा मूलतः है, मीराबाई राजस्थान की रहने वाली थी लेकिन इनकी जो मूल भाषा थी वो थी ब्रिज भाषा, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है, पर्णकुटी का विलोम होगा, यहाँ पर पर्णकुटी का मीनिंग होता है कुटिया या झोपड़ी, तो इसका विलोम होता है प्रासाद, प्रासाद का मतलब होता है राजमहल। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से उत्क्षिप्त व्यंजन है, उत्क्षिप्त व्यंजन वो होती है जिसमें हमारी टंग जो होती है उन वर्ड्स को बोलते समय थ्रो होती है, जैसे लॉ और लॉ, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 है, पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, तो पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी, सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 है, हु मेड द प्लान टू कंस्ट्रक्ट रेलवे ट्रैक बिटवीन ऋषिकेश एंड कर्णप्रयाग, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जे एम क्ले। क्वेश्चन नंबर 22 है, इन उत्तराखंड रीजन विच पर्सन फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिसिपेटेड इन डांडी मार्च ड्यूरिंग सॉल्ट सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह के समय उत्तराखंड से किन लोगों ने डांडी मार्च में भाग लिया था, तो उसमें से एक थे ऑप्शन नंबर डी ज्योतिराम कांडपाल, इनके साथ दो लोग और थे, उत्तराखंड से तीन लोग थे जिन्होंने डांडी मार्च और साल्ट सत्याग्रह में उत्तराखंड से पार्टिसिपेट किया था, तो दूसरे थे भैरव दत्त जोशी और तीसरे थे इसमें खड़क बहादुर सिंह।
आने वाले नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है कि इस तरीके से आ जाए कि उत्तराखंड से इनमें से कौन डांडी मार्च में शामिल हुए थे। तो ज्योतिराम कांडपाल की जगह क्वेश्चन को चेंज करके भैरव दत्त जोशी को यहाँ पर डाला जा सकता है, खड़क बहादुर सिंह को यहाँ पर डाला जा सकता है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जो एग्जाम हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, इन 1812 AD ईस्ट इंडिया कंपनी बॉट अप लैंड इन मसूरी। सो ऑप्शन नंबर ए मसूरी इसका करेक्ट आंसर है। और 1814 में यहाँ पर गोरखा ब्रिटिशर्स के साथ यहाँ पर वॉर हुआ था 1814 में। क्वेश्चन नंबर 24, धनपुरिया डायलेक्ट इज स्पोकन इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बागेश्वर। सो धनपुरिया जो डायलेक्ट है वो बागेश्वर का एक इलाका है, कपकोट, वहां पर इसी ये बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, बेलाडेला माइन इज फेमस फॉर। तो बेलाडेला माइन है छत्तीसगढ़ में, और बेलाडेला माइन इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर को आयरन का ओर मिलता है और वो एक हाई क्वालिटी का आयरन ओर है जिसे हम बोलते हैं हेमेटाइट। हेमेटाइट आयरन का ओर होता है और ये यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है, ये हाई ग्रेड का आयरन ओर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 है, द हेडक्वार्टर ऑफ कुमाऊं कमिश्नरी शिफ्टेड फ्रॉम अल्मोड़ा टू नैनीताल इन। इसका राइट आंसर है 1857 AD। क्वेश्चन नंबर 27 है, फाउंडर ऑफ द पाल डायनेस्टी इन बंगाल वॉस कौन थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी गोपाल। क्वेश्चन नंबर 28 रीजनिंग का क्वेश्चन है, इफ मालती इज मदर ऑफ रोहन। लेट यहां पर हम लेते हैं इफ मालती इज मदर ऑफ रोहन, तो ये है मदर ऑफ रोहन। सेकंड है समीर इज द फादर ऑफ अजीत। अब यहां पर है समीर इज फादर ऑफ अजीत, तो यहां पर अजीत भी मेल हो गया, समीर भी मेल हो गया और रोहन भी मेल हो गया, और ये है फादर समीर। थर्ड है अजीत इज ब्रदर ऑफ रोहन एंड दीपू। अजीत जो ये अजीत है ये ब्रदर है रोहन एंड दीपू का, यानी कि ये दोनों हैं भाई, और तीसरा इनका भाई है दीपू। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, हमें बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो समीर हैज 3 children, तो अगर देखा जाए कि सबसे पहले देखते हैं कि अजीत अगर समीर का बेटा है और ये तीनों भाई हैं तो इट मीन्स मालती एंड समीर आर हस्बैंड एंड वाइफ, दे बोथ आर कपल। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है समीर हैज 3 children, तो ये तो सही है, समीर के 3 children है, ये राइट हो गया। मालती इज मदर ऑफ दीपू, मालती इज मदर ऑफ दीपू, ये भी सही है। समीर इज हस्बैंड ऑफ मालती, समीर एंड मालती हस्बैंड एंड वाइफ, ये भी सही है। अजीत इज डॉटर ऑफ मालती, अजीत यहाँ पर ऑलरेडी एक मेल है तो ये गलत हो गया, डॉटर ऑफ मालती गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ताल एडमिनिस्ट्रेटिव अकेडमी मसूरी वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन, तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1 सितंबर 1959 को नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव अकेडमी मसूरी इस्टेब्लिश हुई थी। तो इसका पूरा नाम इसे बोलते हैं लबासना, LBSNAA, और यहाँ पर LBS का मीनिंग है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव अकेडमी मसूरी। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट कार्टोसैट 3। तो यहाँ पर हमें नेट में ये भी सर्च करना चाहिए कि कार्टोसैट 3 क्या है। कार्टोसैट 3 सीरीज की सैटेलाइट्स हैं जो कि एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। तो इसमें हमें बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। सो ऑप्शन नंबर ए में दी है, इट इज़ अ सेकेंड सैटेलाइट ऑफ कार्टोसैट सीरीज, तो पहली स्टेटमेंट ही गलत है क्योंकि कार्टोसैट 3 सीरीज की इसकी कार्टोसैट 1 सैटेलाइट है, 2 सैटेलाइट है, देन 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F एंड फाइनली है कार्टोसैट 3 जो कि 2019 में लॉन्च की गई थी। तो जो कार्टोसैट 3 है ये 9th सैटेलाइट है इस सीरीज की, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी इट इज़ अ 3rd generation सैटेलाइट ऑफ हाई रेजोल्यूशन, ये बिल्कुल राइट है। इट इज़ अ पोलर सैटेलाइट, ये भी सही है। इट इज़ लॉन्च फ्रॉम श्रीहरिकोटा, ये भी सही है। तो हमें इस ऑप्शन से, इस क्वेश्चन पेपर से हमें ये भी सीखना पड़ेगा कि हम इससे और सारे क्वेश्चन कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में ये है इसरो का लॉन्च पैड जहाँ से इसरो अपने सारे के सारे स्पेस मिशन यहाँ से लॉन्च करता है श्रीहरिकोटा से। सो इस क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए।
तो हम एक ही क्वेश्चन के हेल्प से काफी सारे क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और इसके साथ हम और प्रीवियस क्वेश्चन जो भी पेपर हो चुके हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए। सो अब है क्वेश्चन नंबर 31। इन 1843 AD हु एस्टैब्लिश्ड द टी गार्डन इन पौड़ी एंड गडोलिया। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर ऑप्शन नंबर ए, कैप्टन हेडलस्टन, इसका राइट आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 32। इन द फॉलोइंग ग्रिड एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क द नंबर विल कम। तो इसे हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले हम ये वाला देखते हैं। तो यहाँ पर है 3 × 2 = 6 एंड 6 × 5 = 30। तो ऐसे ही हम इसको करके देखते हैं, ये होगा 9 × 12 = 108 एंड 13 × 108। तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 24, तो लास्ट में 4 आ रहा है, जहाँ तक ये भी करेक्ट होगा। और है फिर 7 और 9, ये हो गया 63। अब है 504, तो इसमें से हम देखते हैं कि 56 तो होगा नहीं, ये काफ़ी बड़े नंबर हैं, 15 भी नहीं होगा। तो 8 और 5 में से एक होगा। सबसे पहले 8 को चेक कर लेते हैं, तो हो गया 63 × 8 = 24, ये हो गया 504। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 8। अब है क्वेश्चन नंबर 33। द कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा एस्टैब्लिश्ड बाय, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, PC जोशी। PC जोशी ने कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा को एस्टैब्लिश कराया था 3 अक्टूबर 1970 को। अब है क्वेश्चन नंबर 34। इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी वायलेटेड द ब्रिटिश सॉल्ट लॉ। तो यहाँ पर हमने देखा कि इसी एग्जाम में 2 questions पूछे जा चुके हैं। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और हमें उनको डिटेल में पढ़ना चाहिए, तो जिससे कि हम मैक्सिमम क्वेश्चंस स्कोर कर सकें। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1930 AD में। और ये भी पर्टिकुलर डेट इसमें हमें रिमेंबर याद रखनी चाहिए, 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने ब्रिटिश नमक कानून की अवहेलना की थी, 6 अप्रैल 1930 को। क्वेश्चन नंबर 35 है, इन विच ईयर उत्तरांचल गवर्नमेंट अनाउंस्ड वीर चंद्र सिंह गढ़वाली परियोजना स्वरोजगार योजना टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ। इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर सी। और इसमें हमें सिर्फ ईयर नहीं कि 2002 हमने याद कर लिया, इसको हमें और नेट में सर्च करना चाहिए या किसी बुक में सर्च करना चाहिए कि ये 1 जून 2002 को लॉन्च की गई थी, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट एग्जाम में इसको डेट के साथ पूछा जाए, क्योंकि एक ही क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में रिपीट नहीं होंगे। तो नेक्स्ट एग्जाम में उनमें कुछ इम्प्रूव किया जाएगा, उसमें कुछ चेंजेस किए जाएंगे। तो हमें प्रिय सर के जो भी क्वेश्चंस हैं या जो भी एग्जाम हो चुके हैं उनको डिटेल्ड में एनालिसिस करके उनको देखना चाहिए कि हम नेक्स्ट एग्जाम में उनसे क्या क्वेश्चन को फैच कर सकते हैं और वो हमारे लिए नेक्स्ट एग्जाम में यूजफुल हो। अब क्वेश्चन नंबर 36, मेमोरी इन विच डेटा कैन बी इरेज्ड और डिस्ट्रॉयड यूजिंग अल्ट्रा वायलेट लाइट इट इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर है EPROM, ये होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो EPROM में क्या होता है कि एक हाई इंटेंसिटी की अल्ट्रावायलेट लाइट को इसमें फ्लैश किया जाता है और इससे डेटा इरेज हो जाता है। तो हमें इसके साथ साथ EPROM के साथ फ्लैश रोम, डबल EPROM, PROM, इन सबको भी पढ़ना चाहिए कि आखिर ये है क्या। तो PROM होती है, वो होती इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, तो उसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल की हेल्प से डेटा को इरेज किया जाता है, लेकिन EPROM में अल्ट्रावायलेट लाइट की हेल्प से डेटा को इरेज किया जाता है, उसमें दूसरा डेटा फीड किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 37, इफ द कोर्ट फाइंड्स दैट अ पर्सन इज होल्डिंग ऑफिस बट इट इज नॉट लीगली एंटाइटल्ड टू होल्ड दैट ऑफिस, द जुडिशरी रेस्ट्रिक्ट्स दैट पर्सन फ्रॉम एक्टिंग एज एन ऑफिसर होल्डर बाय। तो इसके लिए ये क्या है कि 4 के लिए रिट का क्वेश्चन है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 5 रिट्स हैं, और हिबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन क्वारंटो, और 5वीं एक रिट है जिसे बोलते हैं सेट्री ऑररी, ये 5वीं रिट है। तो इसका राइट आंसर जो है, जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय उसे उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। तो वो किस रिट के थ्रू होता है, वो होता है क्वारंटो के थ्रू। तो ऑप्शन नंबर डी, क्वारंटो इज करेक्ट। तो वैसे आपको पढ़ना चाहिए कि हीबियस कॉर्पस क्या है, हीबियस कॉर्पस क्या कहता है, मैंडमस क्या कहता है, प्रोविशन क्या कहता है, और सेट्री ऑररी क्या कहता है। तो इन सारी रिट्स को करना है कि नेक्स्ट एग्जाम में हो सकता है कि क्वारंटो की जगह प्रोविशन या मैंडमस, हीबियस कॉर्पस, दूसरी कोई रिट से यहाँ पर स्टेटमेंट आ जाए और वो स्टेटमेंट किसी और रिट के लिए सही हो। क्वेश्चन नंबर 38 है, इन द रीन ऑफ चन डायनेस्टी विच टाइप ऑफ टैक्स सिरतान वॉज। तो ये था ओनली कैश टैक्स, ये कैश टैक्स था। क्वेश्चन नंबर 39 है, हु गेव कत्यूरी नेम टू द डायनेस्टी ऑफ बैजनाथ। इसका राइट आंसर है एडविन टी एटकिंस। उत्तराखंड की जो हिस्ट्री है उसमें एडविन टी एटकिंसन इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, इनसे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 40 है, फ्रॉम द फॉलोइंग कफनी रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? तो इसे कफनी रिवर और या कभी कफनी गाड़ भी कहते हैं, इसे गधेरा बोलते हैं, इसे इंग्लिश में रिव्यूलेट्स बोला जाता है, ठीक है, पानी की छोटी स्ट्रीम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पिंडर रिवर। तो कफनी जो रिवर है या कफनी रिवुलेट है वो पिंडर रिवुलेट एक ट्रिब्यूटरी है। क्वेश्चन नंबर 41 है, सेंडिंग मैसेज टू पीपल बाय यूजिंग एनी नेटवर्क इज इट कॉल्ड? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसे बोला जाता है ईमेल। वैसे हमें यहाँ पर देखना चाहिए कि एफटीपी क्या होता है। एफटीपी की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब है क्वेश्चन नंबर 42, विच इज द मेन सेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर लेबर्स इन इंडिया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्राइमरी सेक्टर। तो लेबर्स के काम करने के लिए प्राइमरी सेक्टर है इंडिया में। तो अब हमें ये देखना चाहिए कि टर्शियरी सेक्टर में क्या आता है, सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है, क्योंकि इनकी हेल्प से हम नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में और ज़्यादा क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन 43 है, द वेल नोन वर्ड ढाकर इज उत्तराखंड वॉज रिलेटेड टू? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिजनेस ट्रैवल या व्यापार यात्रा से। क्वेश्चन नंबर 44 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाई बैरिस्टर मुकुंदी लाल? यानी कि इनमें से कौन सी जो बुक है वो मुकुंदी लाल, बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने नहीं लिखी है? तो वैसे तो इसका राइट आंसर है गढ़वाल चित्रशैली एक सर्वेक्षण। ये मुकुंदी लाल ने नहीं लिखी है क्योंकि गढ़वाल पेंटिंग्स सम नोट्स ऑन मौलाराम एंड गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, ये तीनों की तीनों ही बुक्स मुकुंदी लाल ने लिखी हुई है। तो हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में ये आ जाए, इनमें से कोई बुक आ जाए कि ये बुक किसने लिखी है। तो हम इस एग्जाम की हेल्प से, इस एग्जाम से नेक्स्ट आने वाले एग्जाम के लिए कैसे क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं? तो गढ़वाल चित्रशैली एक सर्वेक्षण ये लिखी है डॉक्टर यशवंत सिंह कठौच ने, ये इस बुक के राइटर हैं गढ़वाल चित्रशैली के। अब क्वेश्चन नंबर 45, विच वन इज अ मेंबर ऑफ ओपेक फ्रॉम द साउथर्न अमेरिकन नेशंस? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वेनेजुएला। तो अब इसमें हमें ओपेक पढ़ना चाहिए, ओपेक क्या है, ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नेक्स्ट एग्जाम में ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, फ्रॉम द फॉलोइंग एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इज मैंशनड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पहले ये आता था स्टेट लिस्ट में, लेकिन बाद में 42nd अमेंडमेंट में, तो उसके बाद 42nd अमेंडमेंट हुआ, तो उसमें क्या क्या इन्वायरमेंट और बहुत और दूसरे भी चार पांच और टॉपिक्स थे जिनको स्टेट लिस्ट से हटा करके कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया, जिस पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का कंट्रोल हो, तो वो सारी चीज़ें कंकरेंट लिस्ट के अंदर आती हैं। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कंकरेंट लिस्ट। विच इज़ द मेन क्रॉप ऑफ रेगर सॉइल? तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि हम रेगर सॉइल क्या होते हैं। रेगर सॉइल और ब्लैक सॉइल ये एक ही हैं। तो हमें पता है कि ब्लैक सॉइल सबसे अच्छी मानी जाती है कॉटन की फसल के लिए, तो होने को ब्लैक सॉइल, ज्वार, सुगर केन, ये सब के सब इसमें उग सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा गया है विच इज़ द मेन क्रॉप, तो मेन क्रॉप यहाँ पर है एक कॉटन, जिसका राइट आंसर होगा कॉटन। इन 1962 AD नरेंद्र महाविद्यालय इस्टेब्लिश्ड बाय, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कमलेंदुमती शाह। क्वेश्चन नंबर 49 है, इन 1906 AD हु ट्रांसलेटेड वंदे मातरम इन कुमावनी एज जय जय माई जन्मभूमि धन धन्य? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हरिराम त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर 50, अकॉर्डिंग टू द इंडियन सेंसस 2011 विच डिस्ट्रिक्ट हैज द हाईएस्ट डिक्रीडल परसेंटेज ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उधम सिंह नगर। तो पॉपुलेशन ग्रोथ में सबसे फर्स्ट नंबर पर उत्तराखंड में है उधम सिंह नगर, कौन है सेकंड नंबर पे है देहरादून। क्वेश्चन नंबर 51 है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच टू प्लेसेस आर कनेक्टेड बाय श्रृंगकंठ पास? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तरकाशी एंड हिमाचल प्रदेश। हमें पासेस पढ़ने के लिए एक तरीका देखना चाहिए कि हमारे इंटरनेशनल पासेस कौन है, जैसे कि पिथौरागढ़ और तिब्बत को कौन जोड़ता है, ये हमारे इंटरनेशनल पास है, और चमोली और पिथौरागढ़ ये हमारे इंटर डिस्ट्रिक्ट पास हैं, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर ही एक डिस्ट्रिक्ट को दूसरी डिस्ट्रिक्ट से जोड़ने वाले पास कौन कौन से हैं। और उसके बाद आते हैं इंटर स्टेट पास, यानी कि हमारी उत्तराखंड स्टेट को हिमाचल से, क्योंकि हिमाचल और उत्तराखंड ही एडजेसेंट स्टेट हैं, तो इन दोनों स्टेट को जोड़ने वाले पासेस कौन कौन से हैं। तो इस तरीके से हम एक कैटेगरी बना सकते हैं, इंटरनेशनल पासेस, इंटर स्टेट पासेस एंड इंटर डिस्ट्रिक्ट पासेस। क्वेश्चन नंबर 52 से 57 हम देखेंगे लास्ट स्लाइड में। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58, द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग एंड डेवलपमेंट इज ऑल्सो नोन एज, इसे वर्ल्ड बैंक भी बोला जाता है, या बोल सकते हैं कि IBRD इज अ सब्सिडरी ऑफ वर्ल्ड बैंक।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्स गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट गढ़वाल रीजन, तो वायु पुराण, वन पर्व महाभारत, केदारनाथ और स्कंद पुराण, ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन देते हैं गढ़वाल रीजन के बारे में। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 60 है, विच स्टाइल ऑफ पेंटिंग हैज मच इन्फ्लुएंस ऑन गढ़वाल पेंटिंग। तो गढ़वाल पेंटिंग में मुगल और कांगड़ा पेंटिंग दोनों का ही इन्फ्लुएंस है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये सब पूछा है कि मच इन्फ्लुएंस किसका है गढ़वाल पेंटिंग में, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कांगड़ा पेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 61 है, द फर्स्ट वेब ब्राउजर वॉज, फर्स्ट वेब ब्राउजर था ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड वाइड वेब। और वर्ल्ड वाइड वेब को 1990 में टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था। अब क्वेश्चन नंबर 62, हु एस्टैब्लिश्ड लंदन मिशनरी सोसाइटी इन अल्मोड़ा इन 1858। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिशप रेवरेंड। क्वेश्चन नंबर 63 है, अंडर द रूल ऑफ विच डायनेस्टी द अवंती किंगडम बिकेम द पार्ट ऑफ मगध एम्पायर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सिसुंगा डायनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 64 है, द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ उत्तराखंड स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ मोर देन 2300 स्क्वायर किलोमीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गंगोत्री नेशनल पार्क। गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। क्वेश्चन नंबर 65 है, इन्फ्लेशन मेक्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अनइक्वल। ऑप्शन नंबर सी, अनइक्वल इज राइट। सयाना एंड कुमरी सिस्टम इज प्रेवलेंट इन विच ट्राइब। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जौनसारी ट्राइब में, ये दोनों काफी प्रचलन में है। क्वेश्चन नंबर 67 है, द क्रेडिट ऑफ बिल्डिंग शामशाही बागान एट श्रीनगर गढ़वाल गोज टू। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्यामशाह। क्वेश्चन नंबर 68 है, विच नर्स ऑफ उत्तराखंड वॉज अवार्डेड फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड इन 2019। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिस्टर सुनीता गोयल को ये अवार्ड मिला था इन 2019। क्वेश्चन 69 है, कोंकण रेलवे पासेस थ्रू विच स्टेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ये पास होता है महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 70 है, व्हेन डिड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस। 70 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1995। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में एस्टैब्लिश हुआ था। तो ये एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, तो हमें ये भी पढ़ना चाहिए कि WHO कब एस्टैब्लिश हुआ था, यूनाइटेड नेशन कब एस्टैब्लिश हुआ था, तो हमें ये भी पढ़ना चाहिए यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कब एस्टैब्लिश हुआ था। तो ऐसी बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये कब इस्टेब्लिश हुए, तो इन क्वेश्चन को देखते हुए कि ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो उसके लिए हमें ये पढ़ने भी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम आने वाले एग्जाम में WTO की जगह यहाँ पर WHO हो सकता है, UN हो सकता है, UNFCCC हो सकता है, या फिर एशियान हो सकता है, SAARC हो सकता है, ये सारे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। क्वेश्चन नंबर 71 है, इफ़ डे बिफोर यस्टरडे वॉज सैटरडे देन व्हाट डे ऑफ अ वीक विल इट बी आफ्टर टुमारो। ये है टुडे और ये है यस्टरडे और इसके बाद है डे बिफोर यस्टरडे, DBY। ये बोल रहा है इफ डे बिफोर यस्टरडे वॉज सैटरडे, ये है टुडे, डे बिफोर यस्टरडे इट मीन्स इसकी बात बोल रहा है, यह है सैटरडे। तो ये अगर सैटरडे है तो ये हो जाएगा संडे, ये हो जाएगा मंडे। अब ये पूछ रहा है कि देन व्हाट डे ऑफ द वीक विल इट बी आफ्टर टुमारो, आफ्टर टुमारो की बात, ये टुडे है तो ये हो जाएगा टुमारो और ये हो जाएगा तो मंडे के बाद आएगा ट्यूजडे और ट्यूजडे के बाद आएगा वेडनेसडे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वेडनेसडे। क्वेश्चन नंबर 72 है, इन 1871 AD द अल्मोड़ा अखबार वॉज पब्लिश्ड बाय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बुद्धि वल्लभ पंत। क्वेश्चन नंबर 73 है, सिंप्लीफाइड सिस्टम फॉर इश्यूएंस ऑफ इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड ऑनलाइन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन। 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, फरवरी 2015। अब क्वेश्चन नंबर 74, अ मैन ट्रेवल्स 4 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ। तो यहाँ पर एक आदमी है तो ये ट्रैवल करता है सबसे पहले नॉर्थ में, देन ट्रैवल 6 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, उसके बाद ये जाता है ईस्ट में 6 किलोमीटर एंड फर्दर ट्रैवल्स 4 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ, फिर जाता है 4 किलोमीटर नॉर्थ में। अब पूछा गया है हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये है इसका स्टार्टिंग पॉइंट, तो यहाँ से ये है इसका इंड पॉइंट, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, तो ये डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो इसके लिए एक तरीका है कि ये जो 4 है इसको हम इधर ले आते हैं और ये 6 है इसको हम इधर ले आते हैं, तो ये हो गया 6, ये हो गया 4, तो ये टोटल डिस्टेंस यहाँ पर ये हो गया 8, तो यहाँ पर हमारा एक ट्रायंगल बन जाएगा और पाइथागोरस की हेल्प से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर हमें यहाँ पर ये निकालना है, तो बेस हो गया यहाँ पर को बेस इसे ले लेते हैं 8 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इसे ले लेते हैं 6 का स्क्वायर, तो ये हो गया 64 36। यहाँ पर एच स्क्वायर है तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा 64 प्लस 36 इज 100 और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट और यहाँ पर आ जाएगा 10 किलोमीटर। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 10 किलोमीटर।
क्वेश्चन नंबर 75 है, इन द गिवन सीरीज द नंबर इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क विल बी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इनका कोई ऐसा तो स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है, तो सबसे पहले हम प्लस या माइनस करके देखते हैं। तो सबसे पहले इसे माइनस कर लेते हैं, 8-2 6, 14-8 6, देन 26-14 इज 6-4 is 2, 2-1 is 1, देन 38-26, 8-6 is 2, 3-2 is 1। अब देखते हैं 56-38, 16-18 ये हो जाएगा 8, 16-8 is 8, यहाँ पर हो जाएगा 4-3 is 1। तो इट मीन्स यहाँ पर सीरीज बन रही है 6-6, 12-12, और यहाँ पर आएगा 18-18। इस मीन्स इस नंबर और इस नंबर के बीच में 18 का डिफरेंस होगा, तो 56+18 कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और 7, 74 इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 है, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 वाज एडेड इन द फंडामेंटल राइट। क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 86th अमेंडमेंट एक्ट। तो 86th अमेंडमेंट एक्ट के तहत राइट टू एजुकेशन एक्ट को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया। अब क्वेश्चन नंबर 77 है, डोकरियानी ग्लेशियर इज सिचुएटेड इन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भागीरथी बेसिन। तो डोकरियानी ग्लेशियर से एक रिवलेट निकलती है जिसे हम कहते हैं दीनगाड़, और ये दीनगाड़ एक गांव है, बुक्की विलेज या बुक्की गांव। तो इस गांव के पास ये दीनगाड़ भागीरथी रिवर से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 78 है, इन ए रो सुरेश इज 15th फ्रॉम द राइट एंड 16th फ्रॉम द लेफ्ट, हाउ मेनी पर्सन शुड बी इंक्लूडेड इन द रो टू मेक द टोटल नंबर बिकम्स 50 persons। तो सबसे पहले हम एक रो बना लेते हैं, तो ये बोल रहा है इसको हम ले लेते हैं लेफ्ट, इसको राइट ले लेते हैं, इसको लेफ्ट ले लेते हैं। तो कह रहा है इन अ रो सुरेश इज 15th फ्रॉम द राइट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये है 15th पोजिशन। यहाँ पर ये कह रहा है कि ही इज 16th फ्रॉम द लेफ्ट, अब ये लेफ्ट है तो यहाँ से 16th पोजिशन पे होना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। तो ये आ जाएगी कॉमन पोजिशन। तो अगर ये कॉमन पोजिशन है तो राइट से ये 15th है, तो ये हो गए 14, और यहाँ लेफ्ट से ये है 16th, तो रिमेनिंग हो गए यहाँ पर 15। तो ये हो गया दोनों में कॉमन 1, तो 15+1+14, तो ये हो गया टोटल 30। तो ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी पर्सन शुड बी इंक्लूडेड इन द रो टू मेक द टोटल नंबर बिकम्स 50 persons। तो 30+20 इक्वल हो जाएगा 50, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 20। क्वेश्चन नंबर 79 है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ माउंटेनियर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, त्रिलोक सिंह बसेरा। त्रिलोक सिंह बसेरा एक फुटबॉलर है जिन्होंने एशियन गेम्स में खेला था और शायद मेडल भी दिलाया था। त्रिलोक सिंह बसेरा को आयरन वॉल ऑफ इंडिया बोला जाता था, वॉल ऑफ इंडिया, और ये नाम इन्हें दिया था जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। तो इन्होंने ही इनको नाम दिया था आयरन वॉल ऑफ इंडिया, त्रिलोक सिंह बसेरा को। अब क्वेश्चन नंबर 80, इफ 5 × 4 = 15, तो 5 × 4, तो 5 × 4 होता है 20। अब 20-5, तो ये हो गया 15। तो इट मीन्स जो पहला नंबर है उसे हम माइनस करेंगे मल्टीप्लीकेशन से, तो 7 × 8 = 56 - 7, तो हो गया 49। अब 6 × 5 = 30, 30-6 = 24, तो वैसे अब 8 × 4 = 32 - 8, तो ये हो गया 24। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, 24। अब क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग ऑफ टेहरी लॉन्च्ड अ मूवमेंट फॉर अ सेपरेट स्टेट ऑफ उत्तराखंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मानवेंद्र शाह। क्वेश्चन नंबर 82 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, धमामा, नागफनी, नरसिंगा, तुग्याल। उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तुग्याल। तुग्याल इसको नाक में पहना जाता है, ये एक आभूषण है। क्वेश्चन नंबर 83 है, व्हेन डिड बैटन इज फोर्स द नाइन्थ लैंड सेटलमेंट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1840 AD। क्वेश्चन नंबर 84 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज नॉट डिक्लेयर्ड ओबीसी एरिया इन द दिसंबर 2016। तो इनमें से कौन सा वो एरिया है जो गवर्नमेंट ने ओबीसी एरिया डिक्लेयर नहीं किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नरसान ऑफ हरिद्वार। तो ये तीनों के तीन एरिया गवर्नमेंट ने 2016 में इनको ओबीसी एरिया डिक्लेयर किया है। अब क्वेश्चन नंबर 85, फ्रॉम द फॉलोइंग विच रीजन बद्रीदत्त पांडे वॉज इलेक्टेड एज ए लोकसभा मेंबर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अल्मोड़ा से 1955 में उन्होंने लोकसभा सीट के लिए उठे थे और वो वहां से जीते थे। क्वेश्चन नंबर 86, द बैराइट्स मिनरल फाउंड इन विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, देहरादून, क्योंकि बैराइट जो मिनरल है वो सिर्फ पूरे उत्तराखंड में देहरादून डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 87 है, हाउ मेनी डिग्रीज डज एन आवर हैंड कवर इन 20 मिनट। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक बनाते हैं सर्किल, ये हो गई क्लॉक,
हमें पता है क्लॉक इसका सर्किल का जो टोटल एंगल होता है वो है 360 डिग्री, और ये हो गया 12 सपोज, ये हो गया 3, ये 6 और 9। अब इसमें पूछा है कि 20 मिनट में आर का एंड कितना मूव करेगा, तो हमें पता है कि एक आर के सेक्शन में 5 सब सेक्शन होते हैं, हमें टोटल पता है कि 12 आवर्स होते हैं, तो 360 बाई 12 हो गया 30 डिग्री। इट मीन्स जो वन आर का एक सेक्शन होगा ये टोटल होगा 30 डिग्री का, और इसमें 5 सेक्शन होते हैं तो इसको डिवाइड कर लो 5 से, तो कितने का होगा 6 डिग्री। तो आर के बीच में जो 5 सेक्शन है उनके एक सेक्शन की जो डिस्टेंस है वो होगी 6 डिग्री के इक्वल। तो हमें ये बताना है कि 20 मिनट में आर का हैंड कितना मूव करेगा। हमें पता है कि 30 डिग्री, हमें पता है कि एक घंटे में जो आर का हैंड है वो 30 डिग्री मूव करेगा, तो टोटल हमारे पास मिनट्स कितने हैं 60, तो इसको 60 से डिवाइड कर लेते हैं कि एक मिनट में ये हम कितना कितना सेक्शन आर का हैंड मूव करेगा, तो ये करेगा 1/2 डिग्री मूव करेगा आर का हैंड एक मिनट में। तो हमें बताना है कि 20 मिनट में आर का हैंड कितना मूव करेगा, तो 20 × 1/2 डिग्री, तो ये हो गया यहाँ से 10 डिग्री, तो 20/2 10 डिग्री, तो यहाँ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 10 डिग्री, आर का हैंड 10 डिग्री मूव करेगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, चंपावत तहसील वॉज इंक्लूडेड इन पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट इन, इसका राइट आंसर है 13 May 1972। क्वेश्चन नंबर 89, इन द सर्टेन कोड एक्साइज इज रिटन एज 393 दिस इज एंड बैंड इज रिटन एज 5348, सो हाउ वुड साइंस विल बी रिटन एज। तो सीधे कोड निकाल लेते हैं, ई का कोड हो गया 3, दोनों में ई का कोड 3 ही है, और एस का कोड हो गया 6, सी का कोड है 1, आई का कोड है 2, एन का कोड है 4, देन अगेन सी का कोड है 1, तो 6123413, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। फ्रॉम द फॉलोइंग सॉल्ट लेस वाटर लेक इज सांभर लेक, वन लेक, डल लेक एंड सो मुरीडी लेक। तो सांभर लेक हमें पता है यह है राजस्थान में, और वन लेक ये टर्की और आर्मेनिया के बॉर्डर में है, और डल लेक है जम्मू कश्मीर में, और सो मुरीडी लेक ये है लद्दाख में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डल लेक एक फ्रेश वाटर लेक है, और ये सारी के सारी सांभर लेक, वन लेक, सो मुरीडी लेक ये सारी के सारी सॉल्ट वाटर लेक है। क्वेश्चन नंबर 91 है, इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पावर ऑफ ग्राम पंचायत हैज बीन मेंशन्ड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 243(g)(2)(h)। क्वेश्चन नंबर 92 है, द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नागालैंड, और नागालैंड में 1 to 10 दिसंबर तक इस फेस्टिवल को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 93 है, द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन इज अपॉइंटेड बाय, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी द जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 94 है, व्हेन डिड कुमाऊं एंड गढ़वाल बिकम टू सेपरेट डिस्ट्रिक्ट्स, क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1839 AD को ये दोनों क्या हुई अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बनी थी। हु वॉज द फर्स्ट पेशवा ऑफ मराठा एम्पायर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बालाजी विश्वनाथ, मराठा एम्पायर के जो लास्ट पेशवा थे उनका नाम था नाना साहब 2 और बाजीराव 2, ये थे मराठा एम्पायर के लास्ट पेशवा नाना साहब। क्वेश्चन नंबर 96 है, विच स्पीसीज हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्री इन उत्तराखंड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पाइन, सबसे ज्यादा चीड़ के पेड़ उत्तराखंड में मिलते हैं। हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन अ टीम ऑफ बेसबॉल, तो बेसबॉल में होते हैं टोटल 9 प्लेयर्स, ऑप्शन नंबर डी 9 इज करेक्ट। क्वेश्चन 98 है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज द पावर्स ऑफ, सो इलेक्शन कमीशन के पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी होती है, क्वासी जुडिशियल पावर भी होती है, एडवाइजरी पावर भी होती है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 99 है, विच ऑफ द फॉलोइंग उत्तराखंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सीट इज रिजर्व फॉर द शेड्यूल ट्राइब्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नानकमत्ता लेजिस्लेटिव असेंबली सीट, ये क्या है शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है। क्वेश्चन नंबर 100 है, टूल्स मेड फ्रॉम फ्लेक्स, फ्लेक्स मतलब फ्लैट स्टोन्स जो होते हैं, तो इनसे टूल्स बनाए जाते थे, ये बनाए जाते थे मिडिल पैलियोलिथिक एज में, सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट मिडिल पैलियोलिथिक एज। अब लास्ट बचे कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 52, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट नॉट इंक्लूडेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू ग्रह राजवंशी काव्य मेंशन्ड इन द पवार डायनेस्टी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सदर। क्वेश्चन नंबर 53 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन रिच इन बायोडाइवर्सिटी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ट्रॉपिकल, जिसे हम रेन फॉरेस्ट कहते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 54 है, व्हेन इज द नेशनल कंज्यूमर डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का है ऑप्शन नंबर ए 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में। अब है क्वेश्चन नंबर 55, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर, तो इसको हम पहले काउंट कर लेते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं ये स्क्वायर और जो इसके क्रॉस बना हुआ है तो इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं,
हो गया 1, 2, 3, 4, देन ये हो जाएगा 5, इसके बाद ये 6, 7 एंड 8, तो ये तो हो गए टोटल 8 ट्राइंगल्स। अब उसके बाद देखते हैं इनर वाले ट्राइंगल में यहाँ पर कितने ट्राइंगल और बन रहे हैं। तो ये हो गया 1, 2, 3, फिर यहाँ से 4, 5, ये हो जाएगा 6, देन 7, 8 एंड 9, ये हो गया 10, ये हो गया 11, और ये हो गया 12, और ये हो गया 13। तो टोटल 21 ट्राइंगल्स होंगे इसमें। क्वेश्चन 56, इन विच लैंग्वेज इज प्रयाग प्रसिस्टीज रिटेन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत में लिखा गया है। फ्रॉम विच प्लेस इंस्क्रिप्शन गॉट इन तिब्बतन लैंग्वेज ऑन द बैक ऑफ बुद्धास स्टैच्यू। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मोरध्वज। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। तब तक क्लिक कीप स्टडिंग।